Dear students, today in this video, I am going to discuss about the reactions of the carbohydrate. Carbohydrate में reactions होते क्यों हैं? ठीक है, पहले slides में और videos में मैंने आपसे discuss कर चुका था carbohydrates के बारे में, इसके structures के बारे में and properties के बारे में और functions के बारे में. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं इसका reactions के बारे में कि carbohydrate कैसे react करते हैं. एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या होता है कि एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, एंड दिस एक्टिव ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केमिकल बिहेवियर. और ये एक्टिव ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दिस एक्टिव ग्रुप्स आर ग्लाइकोसिडिक ओएच, अल्कोहलिक ओएच एंड सीएचओ और सीओ. सो हम जो है वन बाई वन देखेंगे, ठीक है, कि हाउ दिस एक्टिव ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन रिएक्शंस of the carbohydrates. हम स्टार्ट करते हैं reactions of the glycosidic OH group. यहाँ पे क्या होता है reactions with alcohol में कि जो glycosidic OH group है of motor rotating sugar, वो react करता है with alcohol to form the alpha and beta glycosides or acetals. जैसे कि glucose क्या करेगा, form करेगा glucosides and fructose form the fructosides. और जो ग्लूकोसाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जो है वो इन जनरल दे डू नॉट एग्जिबिट मोटर रोटेशंस. क्यों? बिकॉज दे हैव द एल्डिहाइड ग्रुप्स इन देम इज कन्वर्टेड टू द एसिटल ग्रुप्स. इस वजह से ये ग्लूकोसाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जो है वो जनरली मोटर रोटेशन एग्जिबिट नहीं करते हैं. अगर हम देखें रिएक्शंस की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है विथ मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl. As a catalyst, it produces form alpha methyl D glucosides. ठीक है, और there are various glycosides which are present in generals in natures. Okay, like the florizen which is present in rose bark, and it is comprises of the glucose plus fluoretins. उसी तरीके से digitonin क्या है, वो present होता है foxglove leaves में, और ये comprises of galactose plus xylose प्लस डिजिटोजेनिन. उसी तरीके से एमाइग्रिडलिन जो है वो क्या है, प्रेजेंट होता है इन बिटर आलमंड्स एंड इट इज कंप्राइजेस ऑफ द टू ग्लूकोज प्लस टू मेंडलोनिट्रिल. एंड सेपोनिन इज आल्सो प्रेजेंट इन सैपवर्ट. दिस इज आल्सो ग्लाइकोसाइड्स व्हिच इज कंप्राइजेस ऑफ द शुगर एंड सैपोजेनिन. एंड ऑल दिस ग्लाइकोसाइड्स जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो है आर यूजफुल एज ए मेडिकेंट्स. नेक्स्ट हम लोग बात करें रिएक्शंस ऑफ द ग्लाइकोसिडिक एंड अल्कोहलिक ओएच ग्रुप. तो ये क्या होता है कि रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड्स, दिस कॉल्ड एस्टरीफिकेशन. तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक एंड अल्कोहलिक ओएच ग्रुप है वो किसी भी मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स का वो रिएक्ट करेगा विद एसिटाइलेटिंग एजेंट्स to form the acetate derivatives called esters. अगर हम लोग देखें कि अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड्स के प्रेजेंस ऑफ द पिरिडीन टू फॉर्म द अल्फा डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट प्लस वाटर्स. ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि जो शुगर्स की एबिलिटी होगी टू फॉर्म द esters इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स. जो शुगर स्टेबिलिटी है कि वो इस्टर्स फॉर्म करे, तो ये से पता चल जाता है कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप्स है इस मॉलिक्यूल्स में. एज ग्लूकोज अपॉन एसिटाइलेशन यील्ड ए पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव्स. ओके, मींस इट कंटेन्स फाइव ओएच ग्रुप्स. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक ओएच ग्रुप्स, ठीक है, इसमें क्या है कि रिएक्शन विद मिथाइल आयोडाइड और एथरीफिकेशन. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्कोहलिक ओएच ग्रुप है ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं ईथर ग्रुप्स में व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइलेटिंग एजेंट्स. ठीक है, सो ये जो रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टू नो आइडेंटिफाई विच ओएच ग्रुप ऑफ द शुगर इज फ्री एंड अवेलेबल फॉर द रिएक्शंस. इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा ओएच ग्रुप शुगर का फ्री है और अवेलेबल फॉर द. जैसे कि हम लोग क्या बात करें कि अल्फा डी अल्फा मिथाइल ग्लूकोज रिएक्ट विथ मिथाइल आयोडाइड्स प्लस सिल्वर ऑक्साइड्स
It produces tetramethyl ether of the alpha methyl glucosides plus silver iodide plus waters. यहाँ पे जो अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड है वो क्या हो जाता है, इज मिथाइलेटेड एट कार्बन नंबर 2, 3, 4 and 6 बट नॉट एट द कार्बन 5. क्यों? बिकॉज दैट इज इन्वॉल्व इन द हेमी एसिटल लिंक. हम लोग अगर बात करें रिएक्शन ऑफ बोथ अल्कोहलिक OH एंड CHO और CO ग्रुप्स, यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है ओके विथ एसिड्स. जो अल्कोहलिक OH ग्रुप एंड CHO ग्रुप है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज टू दी कार्बोक्सिल ग्रुप बाय द सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन कॉज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत है. तो ये जो ऑक्सीडेशन होते हैं वो मे बी ब्रॉट अंडर द माइल्ड एंड विग्रस ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस ओके. जब विथ माइल्ड ऑक्सीडेंट्स अगर हम यूज कर रहे हैं ठीक है, लाइक दी HOBr बोरिक एसिड्स ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा टू प्रोड्यूस द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड यहाँ पे किटोजेस जो है वो डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शंस ठीक है. विथ माइल्ड ऑक्सीडेंट्स सिर्फ जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है वही ऑक्सीडाइज होगा टू प्रोड्यूस द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स और यहाँ पे किटोजेस नहीं शोज करते हैं रिएक्शंस ठीक है. इसलिए जो है ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डिस्टिंग्विश अल्डोजेस फ्रॉम दी किटोजेस, कौन सा शुगर अल्डोज है और कौन सा किटोज है. जैसे कि ग्लूकोज जो रिएक्ट करता है बोरिक एसिड फॉर्म दी ग्लूकोनिक एसिड प्लस HBr. जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का यूज करते हैं जैसे कि लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप्स एंड प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू यील्ड दी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स ठीक है. यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप्स एंड द प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू यील्ड दी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो जब विथ अल्डोजेस जो एसिड बनेगा वो तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का होगा ओके. जब लेकिन जब किटोजेस के साथ रिएक्ट करके जो एसिड बनेगा तो उसमें हो सकता है कि विथ फ्यूअर नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स हो. अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ CHO और CO ग्रुप्स. यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड्स जैसे कि CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड्स, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड्स. ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज होकर के जो फ्री एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन ग्रुप्स ऑफ द मोटा रोटेटिव मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स एंड रिड्यूसेस टू द लोअर ऑक्साइड्स और टू द फ्री मेटल्स. तो ये जो है हाइड्रोक्साइड वो क्या करेंगे कि ये रिड्यूस हो जाते हैं टू द लोअर ऑक्साइड्स और द फ्री मेटल्स. जैसे कि CuOH2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा Cu कॉपर ऑक्साइड्स में एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स में. BiO2 हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर के फ्री मेटल जैसे कि सिल्वर और बिस्मत बना दे. रिड्यूसिंग सुगर्स प्लस टू कुप्रिक आयन ये करता है ऑक्सीडाइजिंग सुगर्स प्लस टू कॉपर. सो ये क्या हो रहा है कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हाइड्रोक्साइड है वो ऑक्सीडाइज होकर के रिड्यूस हो जा रहा है टू द लोअर. अगर यहाँ पे आप देखो तो ग्लूकोज प्लस कॉन्सेंट्रेटेड जो मैंने उससे पहले वाले बताया था तो वो क्या करेगा ग्लूकोरिक एसिड बना देगा एंड जो फ्रुक्टोज है वो जैसे कि वहाँ पे एल्डोज है और यहाँ पे किटोज दो लीजिए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इसके साथ क्या करेगा कि ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड प्लस टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड्स. और जो कुप्रिक आयन है इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सबों में. सो इट इज द रिएक्टिव इंग्रेडिएंट इन फेलिंग्स बेनेडिक्ट एंड बारकोड रिएजेंट ठीक है. ये जो कुप्रिक आयन है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है फेलिंग रिएक्शंस में बेनेडिक्ट में एंड बारकोड. सो जो हम यहाँ पे बात किए ठीक है कि रिएक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में ये क्यों होता है और कौन कौन से इसके एक्टिव ग्रुप्स है जो इन्वॉल्व है. मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा कि हाउ कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट ओके. सो इन दिस वीडियो यू कैन लर्न अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की और कोशिश करें समझने की, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. और मुझे बताएं अगर इसमें कुछ सजेशंस और कुछ चेंजेस की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट की तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करें।